योगी कैबिनेट की अहम बैठक अभी चल रही है लखनऊ के लोक भवन में। ये बैठक हो रही है, बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, मंजूरी उसे मिलेगी, ये उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ के लोक भवन में जारी बैठक। आदित्य द्विवेदी जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। आदित्य, अभी कैबिनेट बैठक चल रही है, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज इस बैठक में रखे जाएंगे सामने, जिस पर चर्चा होगी? देखिए, कैबिनेट की बैठक को शुरू हुए लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं और 12 बिंदुओं पर आज मुख्यतः कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें किसानों की समस्याएं, खासतौर से किसान जो एक्सीडेंटल किसानों का जो बीमा होता है उसमें भुगतान को लेकर लगातार अनियमितताएं सामने आ रही थी, तमाम शिकायतें हो चुकी थी, उस पर योगी सरकार काफी गंभीर है, उस पर कोई ना कोई निर्णय इस बार जरूर हो जाएगा, जो निर्णय पिछली कैबिनेट बैठक में नहीं हो पाए थे। इसके अलावा जो पटाई पर खेती देते हैं, यानी कि जो उनको भी दुर्घटना बीमा के अंतर्गत लिया जाएगा, यानी कि बहुत बड़ा निर्णय होगा। किसानों के अलावा जो उनके सहयोगी होते हैं, जो उसमें श्रमिक होते हैं, जो ठेके पर खेती लेते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस में काफी कुछ निर्णय हो सकते हैं, जैसे गोवर्धन परिक्रमा में जो सक्रिय मार्ग है उनको दौड़ा किया जाएगा और वहां पर श्रद्धालु नंगे पैर परिक्रमा करते हैं तो उसके लिए बालू और मिट्टी को कितना करके वहां पर एक पूरी लॉबी बनाई जाएगी, जिसमें 21 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, उसमें सुदृढ़ीकरण होगा, सुधार होगा। इसके अलावा औद्योगिक समस्याएं भी हैं, जिस पर बात होगी। ठीक है, देखिए आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास फिर आएंगे अपडेट के लिए जब ये बैठक खत्म हो।